फ्रेंड्स, आज मुझे जाना है धर्मतला। तो सोचिए उस वीडियो में तो हम पिछले वीडियो में जानकारी नहीं दे पाए थे, मगर आपको यहाँ तक आप कैसे आइएगा इसका पूरा डिटेल में बता देंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी चलते हैं आगे। तो ये है साबिया का 2 नंबर गेट, ये बाहर का। तो साबिया का किसी भी गेट से आप एंट्री ले सकते हैं और किसी भी गेट से एंट्री लीजिएगा तो इस जगह पर आपको ले आएगा जो आपका ई चौक है, यानी कि साबो का जितने सारा गेट है सब यहीं पे आके जुड़ जाता है। और इसी के सामने एक टिकट काउंटर भी है, कई टिकट काउंटर है 14 या 15 दो। तो यहाँ से आप टिकट ले भी सकते हैं मगर स्टार रेलवे का। और यहाँ से आप जो सीढ़ी देख रहे हो रास्ता सीधा चल जाएगा आपका मेट्रो का। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बस यही रास्ता पकड़ जाके सीधी तरफ जाना है। जाने के बाद ये आपका मेट्रो आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद नीचे में जैसे ही आप नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, वहाँ से आपको पहले टिकट लेना होगा, फिर आपको राइट साइड में जाना होगा। वो भी हम आपको दिखा रहे हैं आगे। पहले इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर रेलवे का गोडाउन है। यहाँ पर यानी कि पार्सल जो सामान जाता है ट्रेन के माध्यम से वो यही से जाता है। तो ये जो मेट्रो बना हुआ है तो न्यू कॉम्प्लेक्स और ओल्ड कॉम्प्लेक्स के बीच में ये बना हुआ है। ये सामने 3 गेट है यहाँ हावड़ा मेट्रो का 3। और ये जो आप देख रहे हैं लाल रंग का जो टीना लगा हुआ है तो इस साइड होगी आपका ओल्ड कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो 1 से लेकर 17 नंबर प्लेटफॉर्म तक, 1 से लेकर 16 नंबर प्लेटफॉर्म तक। उसके बाद ये बीच में आपका आ जाता है मेट्रो स्टेशन, उसके बाद आता है आपका न्यू कॉम्प्लेक्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अगर इसको आप बढ़िया से समझ लेते हैं, बढ़िया से देख लेते हैं तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए ये आपका लास्ट 16 नंबर प्लेटफॉर्म है, मगर जहाँ ट्रेन लगा हुआ है 15 ही है और लेफ्ट साइड में जो है वो आपका 16 नंबर प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से चलते हैं सीधा टिकट काउंटर मेट्रो स्टेशन का, ये आपका लेफ्ट साइड में है, यहाँ से आप टिकट आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद सीधा चलेंगे राइट साइड में चलते ही आपको मिल जाएगा एस्केलेटर लिफ्ट। एस्केलेटर लिफ्ट जो है वहाँ से आप सीधा डायरेक्ट नीचे जा सकते हैं। टोटल 3 फ्लोर जाना हो तो 3 फ्लोर के बाद आपका आ जाएगा यानी कि जो मेट्रो, जहाँ से मेट्रो ट्रेन छोड़ता है उस जगह पर। तो मेरा 2nd फ्लोर हो चुका है, मेरा 3rd फ्लोर है। अब 3rd फ्लोर में आपका राइट साइड में जो अभी हम दिख रहे हैं तो ठीक इसके लेफ्ट साइड में आपका यानी कि धर्मतला का मेट्रो जाएगा। ये आप देख रहे हैं राइट साइड में जो शीशा लगा हुआ है, तो यहाँ के अंदर प्लेटफॉर्म में आपको ट्रेन ना ऐसे दिखने को नहीं मिलेगा, शीशा के अंदर ढका रहेगा ताकि दुर्घटना से आदमी बचे। जैसे ट्रेन आता है तो ट्रेन स्पीड में रहता है तो पैसेंजर अगर सामने में रहेगा तो क्या होता है, जब ट्रेन का जो रफ्तार होता है ट्रेन का रफ्तार से दुर्घटना घट सकता है। अभी हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं, अभी हम मतलब गंगा से नीचे होते हुए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्लू लाइट लगा हुआ है यानी कि गंगा क्रॉस कर रहा है। और अभी हम पहुँच चुके हैं धर्मतला यानी कि एस्प्लेनेड। तो यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से अगर आपको धर्मतला डायरेक्ट आना हो तो वहाँ से डायरेक्ट आप हावड़ा से मेट्रो ले लीजिए या तो धर्मतला से मेट्रो लीजिए हावड़ा जाने के लिए। तो ये सुविधा होता है यानी कि बस ज़्यादा बस पकड़ने का झमेला नहीं। और दूसरा बात, आप ट्रेन में क्या होता है जर्नी करने का मज़ा कुछ और है, बस में जर्नी करने का मज़ा कुछ है। तो यहाँ से फिर हम लिफ्ट लिए, लिफ्ट लेने के बाद सीधा ऊपर जाएंगे। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये आपका ग्रीन लाइन रास्ता है, एक ग्रीन लाइन है, एक ब्लू लाइन है और एक ऑरेंज लाइन है। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो।